आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जब भी आप बल्क लिस्टिंग गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में क्रिएट करते हैं, कैसे आप एक्सेल सीट को अपलोड करते हैं, अपलोड करते टाइम में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग के लिए बल्क लिस्टिंग को क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, ताकि जब भी आप फाइल को अपलोड करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से उसे रिजॉल्व कर सकें। तो इसके लिए बेसिकली हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना होगा, ताकि मैं आपको वहाँ पे समझा पाऊँ कि कैसे आपको गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में बल्क लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए एक्सेल सीट को अपलोड करना होता है। बल्क लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको business.google पे जाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर बल्क लिस्टिंग क्रिएट करना है तो आपको एक सैम्पल सीट को डाउनलोड करना चाहिए, ताकि आप उस पर जान पाए कि कैसे आपको एक्सेल सीट जो भी क्रिएट कर रहे हो किस टाइप में आपको क्रिएट करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती है और क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी नहीं भी है। तो इसके लिए मैंने पहले से उस पर वीडियो क्रिएट करके रखा हुआ है, तो लिंक आई बटन मिलेगा उस वीडियो को, आप जाके उसे बाद में देख सकते हैं। एड बिजनेस पर क्लिक करना है, इम्पोर्ट बिजनेस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इम्पोर्ट बिजनेस ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, इस पर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने फाइल को चूज़ कर सकते हैं कि आपका फाइल का लोकेशन कहाँ पे है। आप उसको चूज़ करके उसे अपलोड कर देंगे। हम सैम्पल सीट को ही यहाँ पे अपलोड करके देखते हैं क्या क्या इश्यू शो करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर में आपको चेकिंग फाइल का ऑप्शन शो कर रहा है। ये चेक करने के बाद उसके बाद आप प्रीव्यू चेंजेस करना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं प्रीव्यू चेंजेस में कि आपका सारा कुछ फाइल अपडेट है या नहीं है, क्या क्या इशू आ रहा है, कितना एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एरर शो कर रहा है कि आपके सीट में कितना एरर है। तो आप एरर को एक बार फिर से जाके एक्सेल सीट में चेक करेंगे क्या गलती आपने की है, अब तो उसको आप अपडेट कर देंगे। और कौन कौन से गाइडलाइन आपको फॉलो करने चाहिए लिस्टिंग के इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने में, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको पहले जाके देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 72 हमें एरर शो कर रहा है। हम डाउनलोड डिटेल में जाएंगे तो इस सीट को हम डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से है तो उसको फिर से आप जाएंगे यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे और उसको करेक्ट करके आप अपलोड करके इस तरीके से बार बार, जब तक आपका सही से वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं हो जाता, आप चेक कर लेंगे बार बार जाके उसे, ठीक है। अगर वो करेक्ट हो जाएगा, कोई भी उसमें एरर नहीं होगा, तो उसके बाद वो इंपोर्ट होने के बाद वो पब्लिश हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे रेगुलरली चेक करना है कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, क्योंकि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना मैंडेटरी है आपके गूगल बिजनेस लिस्टिंग में। तो इस वीडियो में हमने बात की कैसे आप बल्क लिस्टिंग को क्रिएट करके उसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद कुछ टाइम बाद जैसे ही आपका सारा लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगा तो गूगल की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है। 24x48 आवर में गूगल की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी आपके मेल के थ्रू। गूगल की टीम एक मेल सेंड करेगी जिसके थ्रू आपके लिस्टिंग का वो वेरिफिकेशन करेंगे। तो आप वेट कर लेंगे 7 डेज तक, आपका जो लिस्टिंग होगा बल्क लिस्टिंग वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बल्क वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपको नीचे में यहाँ पे डिटेल शो कर रहा है कि गूगल की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, कैसे आपके लिस्टिंग को वो वेरीफाई करेंगे। तो इस पेज का मैं लिंक आपको दे दूँगी, आप ज़्यादा डिटेल के लिए इसे जाके रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वो ईमेल के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वेरीफिकेशन हो जाएगा आपके बल्क लिस्टिंग का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जान पाए कि गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में बल्क लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कैसे वो अपने एक्सेल सीट को क्रिएट करके उसे अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।